आगामी चुनाव में जेडीयू को बिहार की नंबर वन पार्टी बनाने की कवायद जो है वो उसकी रणनीति बनाने को लेकर दो दिवसीय बैठक चल रही है। आज बैठक का पहला दिन था और बैठक में चार जो है प्रखंड उनके तमाम जो भी नेता हैं, जो विधायक हैं मौजूदा या फिर जो विधायक हारे हुए हैं, उन तमाम लोगों की आज बैठक हुई है। हम आपको बता दें कि इस बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि जो बैठक है वो बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान करना है, कैसे उस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक हुई है। वहीं कई ऐसे विधायकों का कहना है कि पार्टी में हमें पद तो दे दिया गया लेकिन हम निष्क्रिय हैं, तो उन सवालों का भी ललन सिंह ने सिरे से नकारा है। कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, जिनको जो पार्टी की पद या फिर जिनको जो पोस्ट दिया गया है उन तमाम लोगों से काम कराया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जब मीटिंग खत्म होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा इस मसले पर, और उसके बाद हम सुनवाते हैं बिहार जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी इस पूरे बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, देखिए कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। पार्टी के जो माननीय विधायक हैं और जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो सभी पार्टी के अंग हैं, और पार्टी को जिला स्तर पर गांव के स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए इसलिए सबों से फीडबैक हम ले रहे हैं, और फीडबैक लेने के बाद हम लोग उस पर आगे जो भी करना होगा उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हम सभी पार्टी के साथियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जो पिछले कोई विधानसभा के चुनाव की नहीं, विधानसभा चुनाव की समीक्षा पहले हो चुकी है, अब आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर उन लोगों से परामर्श। कुछ लोग निष्क्रिय भी हैं सर, ये हमको क्या मालूम है, तो आपको मालूम होगा। देखिए आज चार प्रमंडल के माननीय विधायक और हमारे पार्टी के प्रत्याशी के साथ समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू उपस्थित थे, और पार्टी के जो हमारे जो उम्मीदवार हैं और जो हमारे माननीय विधायक हैं उनसे संगठन के मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार के लिए चर्चा की गई। और निश्चित रूप से संगठन जो हमारा जो मिशन है 2024 और 2025, उस मिशन की कामयाबी के लिए हम कैसे बेहतर अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उस पर चर्चा की गई। सर फीडबैक क्या दिया फिर पिछले विधानसभा चुनाव में, आखिर पार्टी कई लोग थे जिन्होंने शिकायत किया था कि बहुत हद तक सपोर्ट नहीं मिल पाया समर्थन। देखिए उस पर तो पहले ही पार्टी का गहन समीक्षा हो चुका है। पार्टी में जो हमारा चुनाव में जहाँ हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो हमारे पार्टी के नेतृत्व ने पूर्व में ही समीक्षा कर चुके हैं और गहन समीक्षा हुआ है। उसके बाद अभी तो हमारा संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। सर कुछ लोग निकले तो उन्होंने मीडिया से बात की, हम लोगों ने अपनी बातें बताई हैं, पार्टी में कुछ लोग हैं जो पद लेकर के निष्क्रिय हैं निश्चित तौर पर। देखिए पार्टी में निश्चित रूप से, पार्टी में जो हमारे समर्पित लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है जो दल के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे, उनको निश्चित रूप से हम लोग प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। ये तो पार्टी की रणनीति है, रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि दोनों ने जो है वो एक ही बात कही है कि पार्टी को किस तरह से संगठनात्मक तरीके से मजबूत करना है, कैसे इनको और आगे बढ़ाना है, और ग्रामीण स्तर पर पार्टी की मजबूती कैसे प्रदान की जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज बैठक हुई है। कल भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल का जो बैठक होगा उनमें किन मुद्दों पर बातचीत होती है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।